भगवान को महाकालेश्वर को जो भस्म आरती होती है उसका सबसे प्रथम नाम तो है मंगला आरती, और सारे देश के मंदिरों में जो आरतियाँ होती है वो सब मंगला आरती कहलाती है, क्योंकि प्रातः काल की आरती होती है। कारण है कि यहाँ पर भस्म भगवान पर चढ़ाई जाती है, मतलब स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के कारण उसका नाम भस्मा आरती पड़ गया, क्योंकि भस्म चढ़ती है तो धीरे धीरे लोग ने कह दिया भस्मा आरती, भस्मा आरती। भस्मा आरती नहीं है, आरती तो दीप से होती है, ज्योत से होती है, निरांजलि से होती है, भस्म स्नान है। तो एक तो ये जो गलत संदेश जो चला गया भस्मा आरती, तो इसमें भी एक सुधार होना चाहिए कि मंगला आरती और भस्मी स्नान। तो आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि जो लोगों में गलत बात कहा जाती है उसमें सनातन व्यवस्था में सुधार हो। दूसरी बात, भगवान शिव इतने सुंदर और इतने कोमल है, और जिनका वास कैलाश है, जहाँ वो कैलाश पे निवास करते हैं, तो न तो वो शमशान वासी है और न शमशान में रहते हैं, न ही वो मुर्दे की भस्म उनके ऊपर चढ़ती है। ये सब क्यों दंतिया है? हमारे उज्जैन में भी एक व्यक्ति ने ऐसी क्यों दंती बना दी, और वो उसने कह दिया महाकाल की भस्म आरती की व्यवस्था शमशान से चालू होती है, जो कि सरासर गलत है, असत्य है और भ्रामक है। महाकालेश्वर भगवान को शुद्ध कंडे की भस्म चढ़ती है, आज भी चढ़ रही है, और उसके प्रमाण आपको मंदिर में जो धूनी बनी हुई है, जहाँ 5 कंडे प्रतिदिन रात को जलाते हैं, उसी से भगवान की ये भस्म बनती है, और इसके छानने के बाद 5 मंत्रों से भगवान पर उसका स्नान कराते हैं। भगवान महाकालेश्वर को और भगवान शिव के जो भी मंदिर देश के अंदर कहाँ भी भगवान को जो शमशान की भस्म नहीं चढ़ाते हैं और नहीं चढ़ाना चाहिए, उससे दोष लगता है। कारण होता है अनजान में भी चढ़ाता कोई आदमी तो वो दोष का भागी होता है, क्योंकि जो भगवान शुद्ध है, भगवान प्रिय है, भगवान कोमल है, उनके ऊपर ऐसी अशुद्ध वस्तु चढ़ाना भी पाप का कारक बनता है। इसलिए और जब ये भस्मी का इस जो प्रथा है वो मात्र जो चली है वो माता सती के कारण है। सती ने अपने देह जब त्याग दी थी हवन कुंड के अंदर, और वो जो भस्म हो गई थी, तो भगवान जो माता सती थी वो भगवान की प्रिय और अर्धांगिनी थी, इतनी भक्त थी वो कि जिसने लाखों सालों तक तपस्या और तप करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। इसलिए भगवान शिव ने जब उनकी देह को उठा के अपने कंधे पे रखा तो वो भस्म भगवान के ऊपर गिरी, इसलिए वो शांत हुए, और शांत होने के बाद ये आप देखते हैं शक्तिपीठ, ये वो माता के शक्तिपीठ बने। इसलिए भगवान महाकाल को किसी भी प्रकार की मूर्तों की भस्म नहीं चढ़ती है और नहीं चढ़ाई जाती है। ये भ्रामक प्रचार जो लोग करते हैं, इससे हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, शिव को मानने वाले, शिव मत को मानने वाले को इससे सावधान रहना चाहिए, और सावधान होकर ये बातों को करना चाहिए। भगवान शिव पर कोई ऐसी भस्म नहीं चढ़ती।